629 किलो डोडा चूरा मामले में बाड़मेर के 3 तस्कर आरोपी गिरफ्तार, थाना मनासा पुलिस की कार्यवाही। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं मनासा क्षेत्र का प्रथम डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। देखिए मनासा की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, दिनांक 1/2022 को कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों रविंद्र पिता पुनमाराम जाति जाट, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम सीवेकर, थाना सदर, जिला बाड़मेर, राजस्थान। गोविंद पिता पुनमाराम जाति विश्नोई, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम भुणिया, थाना धोरी मैना, जिला बाड़मेर से आयसर गाड़ी में 629 किलो डोडा चूरा जब्त कर गिरफ्तार किया गया था। उक्त मामले में पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा द्वारा मामले के स्रोत व गंतव्य में संलिप्त व्यक्तियों का भी पता लगा करके आरोपी बनने के निर्देश दिए गए, जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनिष्क, SDOP मनासा संजीव मुले के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी के नेतृत्व में पकड़े गए दोनों ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ही आरोपियों ने पूछताछ में उक्त डोडा चूरा भवलाल जाट पिता बालाराम जाट, उम्र 24 वर्ष, निवासी सेंतर, थाना रामसर, जिला बाड़मेर। उदयचंद पिता मुंशीलाल ब्राह्मण, उम्र 26 वर्ष, निवासी तलिया सारली, थाना बाड़मेर सदर, जिला बाड़मेर। खेमाराम पिता मुलाराम जाति जाट, उम्र 21 वर्ष, निवासी शोभाला, थाना बिजराड़, जिला बाड़मेर द्वारा नीमच के। तूफान पिता मोहनलाल निवासी अरनिया चंद्रावत, थाना मनासा से भरवाने की जानकारी दी थी तथा उक्त डोडा चूरा बाड़मेर ले जाकर भवनलाल द्वारा जेठाराम पिता बाकाराम जाति जाट, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम आकली, थाना शिव, जिला बाड़मेर को देना बताया है, जिसमें से 3 आरोपी भवनलाल जाट पिता बालाराम जाट, उम्र 24 वर्ष, निवासी सेंतरव, थाना रामसर, जिला बाड़मेर। उदयचंद पिता मुंशीलाल ब्राह्मण, उम्र 26 वर्ष, निवासी तलिया सारली, थाना बाड़मेर सदर, जिला बाड़मेर। खेमाराम पिता मुल्लाराम जाति जाट, उम्र 21 वर्ष, निवासी शोभाला, थाना बिजराड़, जिला बाड़मेर को मनासा पुलिस ने उक्त मामले में गिरफ्तार किया, जिनसे प्रकरण में पूछताछ की जा रही है। उक्त प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सहायक उप निरीक्षक दीवान सिंह, प्रभार नरेंद्र नागदा, प्रधान आरक्षक आनंद निषाद, आरक्षक लोकेश मालवी, आरक्षक अनिल धाकड़, आरक्षक जितेंद्र जाटव, आरक्षक लोकेश चौधरी, चालक आरक्षक पंकज भलवारा, प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा, महिला आरक्षक कुमकुम जाट, सैनिक घनश्याम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए MP7 न्यूज़।